हेलो गाइस, पढ़ते हम लोग जीबीएससी का स्टैंडर्ड 9 का लेसन नंबर 3 परम निर्धानम का। उसका मतलब होता है कि व्हाट इज द ग्रेट ट्रेजर, कि ग्रेट ट्रेजर क्या होता है। यहाँ पे राजा भोज जो होते हैं 11th सेंचुरी में मालवा के किंग होते हैं, उनके दरबार में एक्चुअली अलग अलग टाइप की जो पोएट्री बनाई गई होती है, उनके संस्कृत के जो फेमस स्टोरीज होती है वो थी भोज प्रबंधा, जो बल्लाल कवि ने बनाई हुई थी। और वो उसमें कौन कौन से इवेंट है उनको पोएटिक वर्सेस में लिखे हुए हैं, राजा भोज के रिलेटेड जो इवेंट। और संस्कृत के पोएट जो भी होते हैं वो राजा भोज को एक आइडल फिगर की तरह, कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट करते हैं और उनके आजू बाजू स्टोरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लेसन्स में भी राजा भोज और यंग स्कॉलर के बीच में एक एक दूसरे के ऊपर अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाते हुए एक कन्वर्सेशन दिखाई हुई है। कन्वर्सेशन धीरे धीरे आगे जाती है और फिर वो गेम में एंड होती है, और गेम में किस हिसाब से दोनों की ड्रॉ हो जाती है उस बारे में है। ये लेसन में सिर्फ वर्ब और जो नाउन फॉर्म में है एंडिंग क्या हो रहा है और वेरियस फॉर्म क्या चेंजेस होते हैं उस पर ध्यान देने का है। भोजः नामः नृपति विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियः च आसीतः। अ किंग नेम भोज वॉज अ लवर ऑफ अ लर्निंग, लवर ऑफ अ फाइन आर्ट एंड अ डिवोटी टू द सब्जेक्ट। अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेकः विद्या विशारदाः पंडिताः समागच्छति स्म। सो मैनी स्कॉलर एक्सपर्ट इन एन लॉर्ड्स यूज टू कम टू हिज रॉयल असेंबली फ्रॉम फार ऑफ कंट्रीज। एकदा भोजः प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्टि आसीतः। वंस भोज वॉज सिटेड इन एन राउंड विंडो ऑफ द पैलेस। सह मार्गे एकम नवागंतुकम अनभिज्ञम युवकम पश्यति। ही सी द न्यूली अराइव्ड अनएक्वेंटेड यंग मैन इन द स्ट्रीट। तस्य परिचयः ज्ञातुं सः तं प्रासादे आह्वयति। ही कॉल हिम इनटू द पैलेस इन ऑर्डर टू नो हु ही इज। ततस्तयो मध्ये एवं वार्तालापः सज्जातः। देन बिटवीन देम कन्वर्सेशंस टुक प्लेस इन दिस वे। भोजः भवानः क वर्तते, हु आर यू। युवकः यंग मैन, अहम घंटपंडितः अस्मि, आई एम अ घटपंडित। घटपंडित किम नाम घटपंडित इति, घटपंडित व्हाट इन दैट डज देन घटपंडित मींस, कि घटपंडित का मीनिंग क्या होता है। यहाँ तक कि मैं स्टोरी समझा दूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक राजा जो होते हैं वो भोज नाम के राजा होते हैं, जो उनको विद्या के प्रति बहुत, लर्निंग के प्रति बहुत प्यार होता है, आर्ट के प्रति बहुत प्यार होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रति बहुत ही प्यार होता है। सो वो उनके आए दिन दरबारियों में, दरबार के अंदर, उनके अंदर बहुत सारे पंडित आते रहते हैं ये प्रदर्शन करवाने के लिए। एक दिन जब राजा भोज अपनी विंडो के पास, अपने राउंड विंडो के पास खड़े होते हैं तो एक अजनबी वहाँ से गुजरता है, तो वो उनके बारे में जानने की इच्छा रखते हुए उनको अंदर आने के लिए बोलता है। और पैलेस में जब वो आता है तो वो बोलता है कि तुम कौन हो, और उनके बीच में जो कन्वर्सेशन है वो दी गई है। और पहले उनका नाम पूछता है तो युवक बोलता है तो घटपंडित हूँ। तो उन्होंने पूछा घटपंडित क्या होता है। युवक यथाघटे परिपूर्ण जलम तिष्ठति तथेव मयि पूर्ण परिपूर्ण ज्ञान वर्तते अतः हम स्वात्मान घटपंडित मन्यते। यहाँ पे बोलता है जस्ट एज देर इज अ वाटर फिल्ड अप टू इट्स ब्रीम इन दिन पिक्चर, इन द सेम वे देर इज अ फुल नॉलेज इन मी, सो आई कंसिडर माई सेल्फ अ घटपंडित। बोलते हैं कि जैसे भी हम लोग पानी, घड़े के अंदर पानी भर जाता है तो वह कैसे फुल हो जाता है कि उसके अंदर अभी और पानी नहीं भरा जा सकता, पिक्चर के अंदर पानी नहीं भरा जाएगा, तो वैसे करके मेरे अंदर पूरा ज्ञान का भंडार है, तो मैं पूरा भरा पड़ा हूँ ज्ञान से, मतलब मेरा अभी कोई नॉलेज पढ़ना बाकी नहीं है, तो मैं अपने आप को पंडित बोलता हूँ, लेकिन घट पंडित मतलब भरा हुआ पंडित। सो भोज बोलता है युवकस्य गर्वपूर्णम उक्तिम श्रुत्वा स्वात्मानम ततो अपद्यधिकम मत्वा अहंकार सह। लिसनिंग टू दी प्राउड स्पीच ऑफ अ यंग मैन एंड थिंकिंग हिमसेल्फ टू बी अ बेटर देन हिम प्राउडली, वो सोचने लगता है कि इतना कितना गर्व अपने आप पर, मैं भी तो देखो क्या समझता है अपने आप को। यदि त्वम घटः असि तरही अहम मृदः घतवेन वर्ते। उन्होंने बोला इफ़ यू आर अ पिक्चर आई एम द हैमर। उन्होंने बोला कि आप अगर बाउल हो पूरा भरा हुआ तो मैं हैमर हूँ, मैं हथौड़ा हूँ। अहम अपि घट रूपम भवंतम विनाशमी। द हैमर ब्रेक द पिक्चर बाय द ओन स्ट्रोक। जब भी हथौड़ा पड़ता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड
यहाँ पे बोला है कि मृद ग्रह स्वकीयनम प्रहारेण गतः विनश्यति। उसका मतलब ये हो गया कि द हैमर ब्रेक द पिक्चर बाय इट्स ओन स्ट्रोक, कि जब भी हथौड़ा पड़ता है तो वो जो घड़ा होता है वो टूट जाता है। अहम अपि गत रूपम भवंतम विनाश्यामि, सो आई विल डिस्ट्रॉय यू लाइक अ पिक्चर। सो मैं भी तुम्हें डिस्ट्रॉय कर लूँगा पिक्चर। और जो मैं जिस हिसाब से हैमर एक घड़े को एक तोड़ देता है, एक पिक्चर को कलेक्ट करने का जो पानी का बर्तन आता है उसको तोड़ देता है, वैसे करके मैं भी तुम्हारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। तो यहाँ पे यंग मैन बोलता है, यदि भवान मृदु घर्तवेन वर्ती क्षति तरही अहम अग्नि भवान, बोले इफ़ यू आर लाइक अ हैमर आई विल बिकम अ फायर। उन्होंने बोला कि अगर तू हथौड़ा है तो मैं फिर फायर हूँ। दहन कर्मा अग्नि भूतवा मृदु गरम भस्मम करिष्यामि, उन्होंने बोला बिकमिंग द फायर विच डज द वर्क ऑफ बर्निंग आई विल रिड्यूस द हैमर टू द एशेस। बोले जैसे फायर जो होती है सर हर चीज़ों को जला के राख कर देती है, जैसे मैं हथौड़े को जला कर राख कर दूंगा। वैसे करके उनके बीच में कन्वर्जेशन कंटिन्यू रहती है। बोझ यहाँ पे बोलते हैं, त्वम यदि वरहितवेन वरिष्यते तरही अहम वृष्टि भविष्यामि, बोले इफ़ यू आर अ फायर देन आई शैल बिकम द रेन, अगर तू आग है तो मैं पानी हूँ। वृष्टे पुरतः वरही शातु न शक्तोमि तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातु न शक्नोमि। वो बोलते हैं कि फायर कैन नॉट स्टैंड बिफोर द रेनफॉल, सिमिलरली यू कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। वो बोलते हैं कि जिस हिसाब से फायर है वो रेनफॉल के सामने नहीं टिकती, वैसे तुम मेरे सामने नहीं टिकोगे, वैसे करके उसको अपमानित करता है। दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए तुले हुए हैं। युवक, वृष्टि टू वायु स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाहिमतिः, वो बोलते हैं बट विंड इज एबल टू ब्लो अ रेन एनी वेयर विद द ओन फोर्स। उन्होंने बोला कि अगर आप बारिश हो तो मैं विंड हो, विंड बारिश को हटाने के लिए मदद करता है, तो मैं हवा हूँ और मैं आपको कहीं से भी कहीं भी निकाल सकता हूँ। रेन के जो बादल होते हैं वो हवा के थ्रू यहाँ से वहाँ मूव हो सकते हैं। वृष्टि रूपम भवंत्यमहम वायु भूतवा इति तह वहिष्यामि, बिकमिंग द विंड आई विल ब्लो यू हियर एंड देयर वेन यू आर इन द फॉर्म ऑफ रेन। बोले कि जब भी तू रेन होगा तो मैं बादल मैं बन जाऊँगा हवा, तो मैं तेरे को इधर उधर हटा दूंगा। यहाँ पे बहुत जवाब देते हुए बोलते हैं, यदि भवान वातत्वेन वर्तयति तरही अहम वायु भक्षकम भुजंग भविष्यामि, उन्होंने बोला इफ़ यू आर अ विंड देन आई विल बी अ स्नेक ईटिंग विंड, उन्होंने बोला कि अगर तू हवा है तो मैं फिर हवा खा जाने वाला सांप हूँ। भुजंग सनह सतत वायु रूपम भवंती भक्षयित्वा, उन्होंने बोला बींग स्नेक आई विल ईट यू हु आर इन द फॉर्म ऑफ अ विंड कॉन्स्टेंटली, और मैं अगर सांप होऊंगा तो मैं फिर तुझे खा जाऊंगा क्योंकि तू विंड होगा। यंग मैन यहाँ पे बोलता है, भवान यदि सर्प भविष्यति तरही अहम सर्प भक्षको गरुड़ो भवति, इफ़ यू बिकमिंग अ स्नेक आई विल बिकम द ईगल ईटिंग स्नेक। उन्होंने बोला कि अगर तू स्नेक हो जाएगा, अगर तू सांप हो जाएगा तो फिर मैं ईगल बन जाऊँगा क्योंकि ईगल सांप को खा जाता है। बोझ बोलते हैं, वाक केलिह वर्धयनम टेकिंग द प्ले ऑफ अ वर्ड अहेड, और वैसे करके वो अपना जो उसके सामने क्या सोचना है, क्या करना है, आगे क्या वर्ड बोलूँ, क्या फिट होगा, वैसे करके वो सोचते हुए, त्वम यदि गरुड़ असि तरही अहम चक्रधारक विष्णु, इफ़ यू आर अ ईगल देन आई एम अ विष्णु होल्डिंग सुदर्शन चक्र। उन्होंने बोला कि अगर तू गरुड़ बनेगा तो मैं फिर विष्णु भगवान बन जाऊँगा जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र होगा। विष्णु गरुदारुदम भवति, विष्णु राइड ऑन द ईगल, और जो विष्णु भगवान है वो ईगल के ऊपर राइड करते हैं, बैठ जाते हैं। युवक उन्हें जवाब देते हुए बोलता है, मनसा विष्णु प्रणम्य च पंडित प्रदर्शनम अग्रे वर्धति, बोविंग डाउन टू द विष्णु मेंटली एंड डिस्प्लेइंग द स्कॉलरशिप कंटिन्यू। मन ही मन वो भगवान को प्रणाम करते हैं, मानो वो सामने वाला विष्णु भगवान बन गया हो, बोझ भगवान, वैसे करके बोझ जो राजा है वो भगवान बन गया है, और वैसे करके वो मन ही मन उन्हें प्रणाम करता है और अपनी स्कॉलरशिप को कंटिन्यू रखते हुए बोलता है, यदि भगवान चक्रधर विष्णु तरही अहम भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानम मुकुटम अस्ति। उन्होंने बोला इफ़ यू आर अ विष्णु होल्डिंग अ चक्र आई एम अ क्राउन दैट लुक अ ब्यूटिफुल ऑन योर हेड। उन्होंने बोला कि अगर तू विष्णु है तो फिर मैं तेरे सिर पे बैठा हुआ वो क्राउन हो, मुकुट हो, जो तेरे हेड की शोभा बढ़ाता है। मुकुटम सदा मस्तकस्य उपरि एवं सति स्थिते, और जो क्राउन होता है वो हमेशा हेड के ऊपर होता है, द क्राउन ऑलवेज स्टे ऑन द हेड, और जो मुकुट होता है वो हमेशा सिर के ऊपर ही पहना जाता है। भोज यहाँ पे जवाब देते हुए बोलते हैं, युवकश्य पांडित्य अनुभूयम
एक्सपीरियंसिंग द स्कॉलरशिप ऑफ यंग मैन, वो बहुत ही ऐसे खुश हो जाता है उसकी स्कॉलरशिप को देख के। तरहि मुकुटस्य उपरि शोभमानम् पुष्पमहम्, देन आई एम द फ्लावर लुकिंग ब्यूटिफुल ऑन द क्राउन। उन्हें बोला कि जो क्राउन के ऊपर जो फ्लावर होता है वो मैं हूँ। और एवं अहम अधुना तर्वोपरि शातम, इन दिस वे आई शैल बी अबव यू, इस हिसाब से मैं तेरे ऊपर रहूँगा। और देखने जाए तो लिखा हुआ है बोझ ने, देन आई एम अ फ्लावर लुकिंग ब्यूटिफुल ऑन अ क्राउन, इन दिस वे आई शैल बी अबव यू, इसका मतलब ये होगा कि मैं तेरे ऊपर का फ्लावर हूँ तो फिर मैं तेरे ऊपर ही रहूँगा। यंग मैन उसका जवाब देते हुए बोलते हैं कि भगवान यदि पुष्पम भविष्यति, अगर इफ़ यू बिकम अ फ्लावर, अगर तू फ्लावर है, तरही अहम अपि भमरो भृत्वा तव पुष्प शोपरि स्थास्यामि। उन्होंने बोला आई शैल ऑल्सो बिकम अ बी एंड बी ऑन यू और द फ्लावर। उन्होंने बोला अगर तू फ्लावर है, अब अगर आप फ्लावर हो तो मैं फिर उसके ऊपर बी हूँ, मतलब जो मधुमक्खी है मैं वो हूँ। और आपको बताइए मधुमक्खी फ्लावर पर बैठती है। भोज बोलते हैं एवं भवान द्विरेफ तर ही अहम सूर्य, इन दिस वे इफ यू आर अ बी देन आई एम अ सन। उन्होंने बोला कि अगर तू मधुमक्खी है तो फिर मैं सूरज हूँ। पुष्पस्य अंतः स्थिरः भ्रमरः सूर्यस्य काले बंदी भवति अहम अपि त्वं बंदित्वं करिष्यामि। द बीज दैट इज इन साइड द फ्लावर बिकम द प्रिजनर दैट इज एट द टाइम ऑफ अ सनसेट, आई टू विल मेक यू अ प्रिजनर। उन्होंने बोला कि जैसे बी जैसे ही सनसेट हो जाता है तो फ्लावर के अंदर ही रह जाता है, उसके लिए वो प्रिजन जैसा हो सकता है जो हो जाता है और वो प्रिजनर हो जाता है, तो आई टू विल मेक यू अ प्रिजनर, तो मैं तुम्हें भी वो जेल का सुख अनुभव करवाऊँगा। यंग मैन उसका जवाब देते हुए बोलता है अहो भगवान सूर्यत ही अहम महाप्रभाई राहू। उन्हें बोला ओ इफ यू आर द सन आई एम अ वेरी पावरफुल राहू। उन्होंने बोला कि अगर आप सूरज हो तो मैं राहू हूँ। राहुस्तु सूर्य ग्रह से, आपको पता ही है, एंड राहु स्वॉलो द सन। उन्होंने बोला आपको पता ही है कि जो राहु है वो सन को निगल लेता है। बोझ उनके जवाब देते हुए बोलते हैं किंचित ऊंचे इन द साइट ऑफ लाउड वॉइस, जोर से चिल्ला के बोलते हैं भगवान राहुश्रित हम राहु रूपान तुभ्यम दानम दाशा में, इफ़ यू आर राहु आई विल गिव योर मनी टू यू हु हैज़ अश्योर द फॉर्म ऑफ राहु। उन्होंने बोला कि अगर तू राहु है तो फिर मैं आई विल गिव यू मनी, तो फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा टू अज्यूम द फॉर्म ऑफ राहु, तो फिर मैं ऐसे ही अज्यूम करूंगा कि तू राहु ही है, मैं पैसे दे दूंगा तुझे। दान ग्रहण तवाह गर्भ निश्चित शांता भवित्यति, दिस प्राइड ऑफ योर्स विल श्योरली बी सब्स्टिट्यूट। और पैसे खिला के मतलब पैसे दे के राहु को शांत किया जा सकता है, सो उस हिसाब से मैं तेरा प्राइड जरूर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। युवक बोलता है यहाँ पे विहर्ष्य चातुर्येण स्माइलिंग क्लेवरली, वो खुश होकर स्माइल करके बोलता है यदि भगवान हो दानी तरी अहम संतुष्टि, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग चैरिटी देन आई एम द वन हु इज कॉन्टेंटेड। बोले अगर आप दानी हो तो फिर मैं संतुष्ट होने वाला इंसान हूँ। भवत दानस्य प्रयास निष्फल भविष्यति, योर एफर्ट ऑफ द चैरिटी विल बी फ्रूटलेस, आपका जो दान करने का जो चैरिटी का जो एफर्ट होगा वो फ्रूटलेस हो जाएगा, उसका कोई फल ही नहीं मिलेगा आपको। सर्वतः अलुब्धम अहम भवतः दानम न ग्रमिष्यामि, बीइंग एब्सोल्यूट फ्री फ्रॉम द ग्रीड आई शैल नॉट टेक एनी मनी ऑफर बाय यू वे ऑफ चैरिटी फ्रॉम यू, मैं तो हर चीज़ से खुश हूँ, तो फिर मैं आपके द्वारा दिए हुए पैसे कैसे इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो संतुष्ट हूँ। एवं उत्तरम विवादतयो भोज युवक मध्य सदा संतोष विषय समुत्पस्थ्य तदा समागत संतोषे सर्व शांत भवति इति वचनानुसार विवादोपि स्वमेव शांतः। इन दिस वे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट गोइंग ऑन बिटवीन भोज एंड द यंग मैन एंड ग्रोज इन द कॉन्ट्रोवर्सी व्हेन द टॉपिक ऑफ कंटेनमेंट कम अप, यहाँ पे भोज और जो यंग मैन है उनके बीच की कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है और एक टॉपिक आता है जहाँ पे उनको दोनों को सेटिस्फेक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू द मैगजीन व्हेन द कंटेनमेंट कम्स एवरीथिंग बिकम क्वाइट, और जब भी उन दोनों को आंसर मिल जाता है अपनी चीज़ों का तब चीज़ें थोड़ी शांत हो जाती है। द आर्ग्यूमेंट ऑल्सो ऑटोमेटिकली स्टॉप, आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे स्टॉप हो गया। अंते चतुरम ज्ञाने गुणेन च उपेतः त पंडितः युवकम प्रणम्यः धाराधिपतिः भोजराजः वदत। फाइनली बोविंग टू द यंग स्कॉलर हु वॉज क्लेवर endowed with the knowledge and the virtue, Bhoj Raja, the ruler of a Dhara, said, जब उनके scholars के ज्ञान से बहुत ही प्रभावित होके वो बहुत ही खुश हो जाता है तो Bhoj Raja, ruler, जो धारा नगरी के राजा है, वो बोलते हैं
अयि घटपंडितः ओ घटपंडित घुण पूजके धारादेश भवतः स्वागतम अस्ति। उन्होंने बोला दैट यू आर वेलकम इन द किंगडम ऑफ अ धारा दैट इज अ वर्शिप ऑफ अ क्वालिटी। उन्होंने बोला आपकी क्वालिटी को देखकर मैं आपको धारा नगरी में आपको स्वागत करता हूँ। भवान विजयी जाता दैट यू हैव बिकम अ विक्ट्रियस आप जीत गए हो। संतुष्ट जन न कोडपि पराजेतु मही। नो वन कैन डिफिटेड अ पर्सन हु इज कॉन्टेंटमेंट। जो संतुष्ट इंसान होता है वो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। यतो ही संतोष एवं पुरुषस्य परमः निधानः वर्तते बिकॉज इंडिड कॉन्टेंटमेंट इज अ ग्रेट प्रेजर ऑफ द मैन। और संतुष्टि ही इंसान का सबसे बड़ा ट्रेजर माना जाता है, खजाना माना जाता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।